हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि विंटर के सीजन में हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ जाती है। सर्दियों का मौसम अपने साथ सेहत के साथ बीमारियां भी लेकर आता है। इस दौरान हमें अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, डिप्रेशन, कफ कोल्ड और हाई ब्लड प्रेशर जैसी भी प्रॉब्लम हो जाती हैं। अक्सर सर्दियों में मोटापा बढ़ने जैसी भी परेशानियाँ हो जाती हैं। विंटर हर किसी को पसंद होते हैं। ठंड के मौसम में उमस और गर्मी से भी राहत मिलती है, साथ ही ठंडी हवाएं और सूरज की भीनी धूप हमारे माइंड को शांत बना देती है। हालांकि सर्दियां अपने साथ केवल ठंडी हवाएं ही नहीं लेकर आती, बल्कि इस दौरान ढेरों हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी खतरा बढ़ जाता है। सर्दियों में जुकाम, बुखार जैसी आम परेशानियों से लेकर हाई ब्लड प्रेशर और अर्थराइटिस जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। इस मौसम में अगर अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल और डाइट का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें इन सभी परेशानियों से भी जूझना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर्दी और जुकाम। सर्दियों में कफ, कोल्ड, फीवर, डायरिया और निमोनिया जैसे इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। इस दौरान ठंड से बचें और परेशानी बढ़ने पर आप अपने नियर बाई डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं या फिर उन्हें दिखवा लें। सेकेंड बात करते हैं, सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन जो है ड्राई हो जाती है। सर्द हवाएं और हॉट शावर हमारी त्वचा पर भी बुरा असर डालती है। ये वजह है कि सर्दियों के दौरान ड्राई स्किन, खुजली स्किन और हाथ पांव का फटना आम हो जाता है। बेहतर है कि आप इसके बचाव के लिए आप क्रीम या लोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर्दियों के मौसम में हमारा वजन भी बढ़ जाता है। अक्सर ठंड के मौसम में वेट बढ़ने की प्रॉब्लम भी आम हो जाती है। अनहेल्दी डाइट के सेवन और फिजिकल एक्टिविटी की कमी से भी हमारे शरीर में वजन बढ़ने जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर्दियों के मौसम में हमें अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। ठंड के मौसम में कभी कभी धूप दिखना भी दुर्लभ हो जाती है, जिसके चलते बॉडी में विटामिन डी की कमी होने लगती है। साथ ही फिजिकल एक्टिविटी की कमी या फिर बैरोमेट्रिक प्रेशर में बदलाव या फिर ठंड और नमी भरा मौसम भी अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है। हम बात करते हैं कि सर्दियों के मौसम में हमें डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। कई बार सर्दियों का रूखापन अकेलेपन में बदल जाता है, दोस्तों में मेल जोल कम होने लगता है या फिर पतझड़ का मौसम भी डिप्रेशन जैसी स्थिति को पैदा कर सकती है। अगर आपको भी इन सब चीजों के लक्षण अपने अंदर दिख रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या वीडियो से कोई भी टिप्स मिली होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।